हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू मामोर आप सभी का डियर क्लास में सोनू सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो क्या होता है और जो इसका एग्जाम पैटर्न है वह क्या है और इसमें किस प्रकार के जो है प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं और इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं और कैसे आपको नंबर्स जो है ज्यादा मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले किसी भी वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि मैकेनिकल का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपको मशीनों के बारे में अध्ययन करना होता है। जो आपकी मशीन होती है उसकी डिजाइन कैसे की जाती है और डिजाइन करने के बाद उसको हमें ड्राइंग करना होता है। तो आपको पता है कि मानवनिर्मित अगर कोई भी वस्तु है तो वहां पर ड्राइंग जरूर होती है। तो ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है कि मैकेनिकल के अंदर मुख्य रूप से यांत्रिकी होती है और यांत्रिकी का मतलब होता है जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कोई भी मशीन है या आपके व्हीकल हैं, इन सब की जो डिजाइनिंग होती है या ड्राइंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आती है। आप देखिए, ये क्या होता है, ये आपका फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग फोर्थ सेमेस्टर में ये आपको अलॉट होता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वह क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके जो है टोटल तीन कैटेगरी में प्रश्न पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं कि आपका जो प्रश्न होता है वो टोटल तीन टाइप का होता है, जिसमें जो प्रश्न नंबर एक होता है उसमें आपकी मशीन ड्राइंग आती है, प्रश्न नंबर एक में आपकी मशीन ड्राइंग आती है और यह कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। मशीन ड्राइंग आपको कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, यानी इसको आपको करना अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो समझिए आप लगभग क्या है, फेल है। जो मशीन ड्राइंग होता है ये टोटल आपका जो नंबर आता है वह 30 नंबर का एक प्रश्न होता है और जिसमें आपको कंपल्सरी रूप से क्या होता है, करना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मशीन ड्राइंग में। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं क्या आता है। जैसे आपका ड्रिलिंग जिग है, ड्रिलिंग जिग है, ये आ सकता है आपका 30 नंबर में, ठीक है। ड्रिलिंग जिग है, प्लम्बर ब्लॉक है, प्लम्बर ब्लॉक है, फुट स्टेप बियरिंग है, ठीक है। ऐसे ही करके लगभग जो है आपकी जो है टोटल 10 मशीनें हैं जो आपके ड्राइंग में किया जाता है, पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर एक कंपल्सरी है आपको, इसी जो आपके लगभग 10 आपको सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में आपको पता चलेगा लगभग 10 आपके जो है क्या है, मशीनें हैं जिनमें आपको कोई भी मशीन आ सकती है, कन्फर्म नहीं होता है। और जो प्रश्न आएगा उसमें आपको टोटल कितने नंबर का होगा 30 नंबर का होगा। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की। तो देखिए, सेकंड स्टेप में जो आता है उसमें आता है आपका फ्री हैंड स्केचिंग। तो फ्री हैंड स्केचिंग जो होता है इसमें क्या होता है कि आपको माप के अनुसार आपको इसमें केवल लिख दिया जाएगा, जैसे कोई भी जो भी फ्री हैंड स्केचिंग आएगा उसका नाम लिख दिया जाएगा और आपको अपने मन से बनाना होता है। अब बनाने का मतलब यह नहीं कि आप जैसे किताब में छपा वैसे ही छाप लीजिए तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसकी एक माप होती है, एक रेशियो होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, इसमें बनाना होता है। अब बनाने के बाद उसकी आपको माप भी क्या करनी होती है, प्रदर्शित करनी होती है। तो जो फ्री हैंड स्केचिंग है इसमें लगभग आपके, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, जैसे फ्लाई व्हील है, अब फ्लाई व्हील का स्ट्रक्चर आ गया, आपको क्या करना है, इसे बनाना है। तो ये आपका जो प्रश्न आता है, जो आपका सेकंड स्टेज है, ये आपका 10 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसमें आपको दो प्रश्न होंगे, एक करने होंगे, 10 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, दो में से एक कोई करना होगा
और इसमें जो आपके जैसे फ्लाई व्हील है, सी क्लैंप है, ऐसे करके ये टोटल आपके जो फ्री हैंड स्केचिंग है वो 20 प्लस है, 20 से कम नहीं है। अब 20 में से कौन आएगा ये कोई गर्भर नहीं होता है। तो ये आपका जो सेकंड स्टेज है, जो आपका सेकंड स्टेप होता है, इसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको जो है इसमें लगभग 20 प्लस आपके जो है क्या है फ्री हैंड स्केचिंग है, जो आपको क्या करना होता है पढ़ना होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका जो लास्ट स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपके टोटल जो प्रश्न आते हैं, इसमें आपके टोटल जो प्रश्न आएंगे चार, टोटल चार प्रश्न आते हैं और दो प्रश्न आपको क्या करना होता है और दोनों प्रश्न आपके पांच पांच नंबर के होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपके जो चार प्रश्न होते हैं वो कंफर्म नहीं होते हैं, हो सकता है आपको दो रिटर्न भी यानी लिखने के लिए भी आ सकता है, चार आपके चारों का फ्री हैंड भी हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका प्रश्न आता है टोटल चार आएगा, चार में से दो फ्री हैंड हो सकता है, दो रिटेन हो सकता है, तीन रिटेन हो सकता है, एक फ्री हैंड हो सकता है, चारों फ्री हैंड हो सकते हैं, चारों रिटेन हो सकते हैं। तो इस आधार पर इसमें आपका जो थर्ड स्टेप होता है उसमें पूछा जाता है। अब थर्ड स्टेप में रिटेन में जैसे आपका एक मैं आपको एक चैप्टर बता देता हूं, जैसे लिमिट है, ठीक है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस ये आता है आपका, ऐसे ही करके लगभग इसमें जो है आपके पांच से छह टॉपिक है, पांच से छह टॉपिक हैं जिसमें क्या किया जाता है, ये आपका रिटेन का एग्जाम, जो आपका रिटेन का क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं पांच या छह चैप्टरों से क्या किया जाता है पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये थोड़ा सा विशाल सब्जेक्ट मतलब बड़ा सब्जेक्ट बड़ा है कोर्स है इसका, आपको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि जब भी आप कंपनी में जाते हैं और अगर आप वहां पर डिजाइन इंजीनियर बनते हैं तो उसके लिए ये चीजें आपको क्या होनी है आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ड्राइंग नहीं आएगा तो आप डिजाइन इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आप क्या कर सकते हैं इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ और अच्छे से पढ़िए। और दूसरी चीज, अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज इसकी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इसकी ऑफलाइन क्लासेज उपलब्ध है, जो है हमारा जो कोचिंग सेंटर है वह आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के बिल्कुल गेट के सामने है। अगर आपको जो है ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7355139464 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको जो है इसकी विधिवत क्लास एक एक स्टेप आपको क्या दिया जाएगा बिल्कुल बताया जाएगा कि आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है आप कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।